बहुत बढ़िया फाइट कर रहा है। मैं तो करूंगा, लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं मैं। उदा भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार यमन जी। सोनिया जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, फिर से आपने पार्टी की कमान संभाली है, और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आज का जो विषय है, मैं नहीं मानता कि जितने सारे हमारे साथी मुख्यमंत्री जी हैं, किसी का भी मत इससे अलग होगा। सब सारे एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं और लड़ाई तो चल रही है। हेमंत जी, पहले जैसे आपने जो बात कही, हमें तय करना चाहिए, अभी एक एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है। पहले बिल्कुल बिल्कुल पहला पहला ये तय करो, नहीं तो ये हमारी चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, जो भी कुछ, जहाँ आपके यहाँ आएंगे तो आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो इसमें सही कोई सही मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा, और हमारा तो यही है, सत्यमेव जयते। ऐसे कभी बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल कि आज तक कभी सत्तामेव जयते नहीं है, सत्यमेव जयते है। तो लड़ना है तो लड़ना है। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी होती है, उसका आवाज सबसे ऊंचा होता है, और वो अगर कोई दबाने की कोशिश करे तो उसकी आवाज उठानी चाहिए, और वो हमारा कर्तव्य बनता है। खैर, दो तीन मुद्दे जो मेरे पास आए हैं, एक तो जीएसटी की बात, दीदी आपने जो कही वही सारी लोगों की स्थिति है। लगातार ये जो पूंजी है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, एक एक महीना जैसे आगे आगे निकल दिन आगे निकल जा रहे हैं, केंद्र से आने की जो जितने पैसे हैं उसमें बढ़त हो रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। मैंने आज जानकारी ली, बीच में हम क्या करें, खत लिखते रहते, पत्र लिखो, और जब भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, आपने देखा होगा, मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जितने बाकी सारे दुख है वो उस वहां मैं नहीं कहता हूँ, जो भी कोविड के बारे में होता है मैं कोविड के बारे में कहता हूँ, अन्यथा बीच में हम खत तो लिखते रहते हैं, कभी जवाब आता है कभी आता नहीं, जवाब आता है तो भी पैसे कभी आते, अप्रैल से तो शायद आए भी नहीं है। तो ये स्थिति आज के दिन हमारे सबकी है, लड़ तो सभी रहे हैं, कोविड के साथ लड़ रहे हैं, अपनी ही सरकार है, ऐसे नहीं हम विपक्ष में। विपक्ष का मतलब क्या है, विपक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी का हम बुरा चाहते हैं, नहीं, हम भी आम आदमी की उसके हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम भी कुछ हमारा अधिकार है। आज कैसे होता है कि राजीव जी की बात करें तो उन्होंने पंचायत राज, वो एक बात कही थी, पंचायत राज का मतलब क्या है कि जो भी सत्ता होती है उसको छोटे छोटे इसमें केंद्र में उनका अधिकार दे दो। आज क्या हो रहा है, आज सबके जो अधिकार है एक हाथ में चले जा रहे हैं। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारे राज्य सरकार का मतलब क्या है, क्या कभी आगे जाकर ऐसे हो जाएगा कि राज्य सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक ही व्यक्ति देश चलाएगा और हम खाली हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, ये नहीं होगा। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो, उसको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उसको ध्यान में रखकर हमारी घटना बनाई है, और उस घटना में जो भी अधिकार सबको दिए हैं उसका अगर हम आदर नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ। तो डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें तो डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचाई पर है हमारी घटना, और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात की गई है उसको, तो उसका उसकी रक्षा करना, सरकार चलानी, हम सरकार को चलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन घटना का रक्षण करना वो भी काम है। तो इसीलिए जीएसटी के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसके ऊपर भी फेर विचार होने की आवश्यकता है, कि पहला जो एक स्ट्रक्चर था, हो सकती है बात, कुछ बात हो सकती है कि कुछ अगर कुछ बदलाव लाए अच्छा भी हो सकता है, बदलाव लाए तो गलत भी हो सकता है, अगर गलती हो सुधारी भी जानी चाहिए, सुधारने की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार कर आगे जाना चाहिए। तो एक बात तो मैं मानता हूं कि केंद्र से पैसा कितना आना बाकी है वो तो है, लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर पहले था वो और आज का जो है, इसके बीच में कुछ रास्ता निकलना चाहिए कि पहले था वो सही था, इसके विषय भी, इसके ऊपर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने तो शायद मई एंड या अप्रैल जून में हमने डिसीजन लिया, जो फाइनल ईयर है जितने सेमिस्टर हुए हैं उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए, और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन जून महीने की अगर हम बात कर रहे थे, मैं कर रहा हूँ, तो जून की स्थिति और आज की स्थिति, आज तो ये खतरा बड़ा है, और हमारे शहर में ठीक है, हमारे मुंबई में तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में आ भी गया है, लेकिन और कुछ जगह वो फैल रहा है,
कोरोना थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, तो जून से आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है। तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे तो आज ये जब संकट बढ़ गया तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, एग्जाम कैसे ले सकते हैं। और इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सेमिस्टर हुए उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए, बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उनको पास कर देंगे और बाद में जब भी संभव हो हम एग्जाम जरूर लेंगे। और अगर किसी बच्चे की ऐसी धारणा होगी कि अरे नहीं एग्जाम होता तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, तो वो उसकी मर्जी, वो उस एग्जाम वो दे सकता है, फिर एग्रीगेट किए हुए मार्क्स और एग्जाम में मिले हुए मार्क्स चुनना उसका काम है। तो मैंने पहले कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन आज के दिन ये स्थिति नहीं है। और जैसे कहीं बाहर के देशों की ओर हम देखें, मैंने बीच में खबर पढ़ी थी यूएस में उन्होंने स्कूल खोल दी और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे 100,000 के आसपास वो संक्रमित हो गए। क्या करेंगे ऐसे अगर स्थिति हमारे आ गई तो? हमने उद्योग तो मई महीने में ही शुरू कर दिए, आज भी हमारे यहाँ जो इलाका है जो सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है मुंबई से लेकर पुणे तक, वहां हमने लॉकडाउन है जरूर है, लेकिन आहिस्ते 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 हम इसको खोलते जा रहे हैं। मिशन बिगिन अगेन। तो आहिस्ते आहिस्ते खोलने के वक्त शायद कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि हम काफी स्लो जा रहे हैं। स्लो ठीक है, वो टॉर्टोइज और वो खरगोश उसकी तो कहानी सबको पता है, जल्दबाजी कर कुछ फायदा नहीं होता है। आहिस्ते कदम जाए लेकिन ठीक से डाले, तो जो कदम हम आगे बढ़ाएंगे उसको वापस लेने की आपत्ति हम पर नहीं आनी चाहिए, ये सोच समझ कर हम आगे जा रहे हैं। तो सारी चीजें हम खोलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम खोलते जा रहे हैं। स्कूल, मैंने स्कूल के बारे में भी यही कहा कि स्कूल शुरू कब होंगे, स्कूल शुरू नहीं करेंगे लेकिन एजुकेशन शुरू करेंगे, वो चाहे ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, ई लर्निंग हो, तो इसके इस विषय पर भी हम काम कर रहे हैं। जो बात मुझे दिखाई दे रही है एनवायरमेंट की, एक जो बात रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। हमने तो एक लेटर दे दिया है जावड़ेकर जी को, वैसे तो आदित्य ने दो चार दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है एजुकेशन के बारे में, और उसमें आदित्य ने लिखा है कि ये जो एजुकेशन एकेडमिक ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर वो आगे बढ़ाया, तो एकेडमिक ईयर भी क्या हम जनवरी से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि आज तक देश की अगर बात करें तो हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। कुछ राज्य नसीब वाले हैं और वो नसीब वाले ही रहे कि जहाँ उनके यहाँ इसका ये संक्रमण कम हुआ होगा, अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ तो वैसे नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही केयरफुली हमें आगे जाने की आवश्यकता है, और इसीलिए आदित्य ने कहा कि एकेडमिक ईयर हम आगे करें क्या, जनवरी से शुरू करें क्या। तो वैसे ही एनवायरमेंट की बात करें, हम क्या करते हैं, विकास चाहिए, हाँ चाहिए ना विकास, हम तो सरकार इसलिए सरकार में आए कि विकास के लिए आए हैं, कुछ लॉकडाउन परमानेंट लॉकडाउन करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम तो विकास के लिए आए हैं। और आप सभी को याद होगा लगभग हमारा सेशन तो उसी दरमियान चलता रहता है, मार्च महीने में हमारा महाराष्ट्र का सेशन चल रहा था, बजट हमने पेश किया और दो चार दिन में हमें सेशन समाप्त करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना शुरू हो गया, तब से घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम और ऐसी मुलाकातें होती रही। तो विकास के लिए हम तो सरकार में आए हैं, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं कि जहां चाहे हम हमारी मर्जी कुछ भी करें, जंगल है तोड़ दो और वहां से कुछ भी करो, नहीं। और इसीलिए खास कर हमारे विदर्भ से एक जाने वाला रेलवे का एक रूट है अकोला खांडवा, वो मध्य प्रदेश जाता है, वो जाता है बीच हमारे जंगल से मेलघाट, जो टाइगर का घना जंगल है। तो हमने उसको उनको ये कहा है कि अल्टरनेट कुछ करें कि हम बीच जंगल से ये रास्ता जा रहे हैं तो हम घुमा कर लेके जाएं, तो ज्यादा बस्ती ज्यादा लोगों को इस्तेमाल होगा। तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर करना चाहिए, आसान उत्तर हम जरूर निकाल सकते हैं लेकिन आगे जाकर हमें आपत्ति आ सकती है। तो ये सारी बातें हमारी होती रहती है, लेकिन दीदी आपने जो बात कही कि हमें मिलते रहना चाहिए, जब भी कोई आपत्ति आती है तो हम भागम भाग करके इकट्ठा आते, क्यों आपत्ति की जरूरत है क्या हमें इकट्ठा लाने के लिए? आपत्ति के बिना भी हमें मिलते रहना चाहिए, अगर हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति की क्या हिम्मत है हमारे सामने आने की? हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति भी डर कर रहेगी, अरे ये तो इससे इनके नजदीक जाने में खतरा है, आपत्ति को खतरा महसूस होना चाहिए, हमें नहीं। और ये जो बात हम जो कर रहे हैं ये कॉमन मैन की बात है, जैसे जीएसटी की बात है, पैसा आएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे। जैसे आपने कहा कि
सारी बातें हम तो फ्री दे रहे, ट्रीटमेंट फ्री दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। अभी इस सितंबर से लेकर वो केंद्र से जो पीपी वेंटिलेटर जो आने वाला था, आ रहा था, वो भी बंद होने जा रहा है, वो भी बंद होने जा रहा है। वो मुद्दा भी मैंने पिछले प्रधानमंत्री जी के सामने कॉन्फ्रेंस पे मैंने उठाया था। एक 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 चीज वो बंद करते जा रहे हैं और हमारे यहाँ हमें देने की आवश्यकता हो रही है, जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी बातें हमें सोच समझ कर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और सब मिलकर हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे, ठीक है हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे, जो बात आपने कही सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और हमारी जनता ठीक है हमें भी वोट दिया है और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी वोट दिया है, मतलब ये जनता कोई हमें वोट देने वाली जनता बाहर से आई है और वहां उनको वोट देने वाली जनता यहाँ की है, ऐसी बात नहीं, एक ही जनता है, जनता तो वही है, लेकिन हम करें तो पाप और वो करे तो पुण्य, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ कर एक प्रोग्राम होना चाहिए, मिलते तो रहना चाहिए, जब भी मौका मिले तो बिना मास्क, आज तो मैं बिना मास्क आपके साथ हमने बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरे घर पे बैठा हूं, हेमंत जी आप भी और सारी बातें, क्योंकि हम अपने अपने घर में, लेकिन उस दिन की हम कामना करते प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द ये कोरोना का संकट टल जाए और हम खुलेआम एक दूसरे के साथ ऐसे आमने सामने बैठकर बात कर सके। मुझे तो इतना ही कहना था, जो भी हमें करना है सब साथ मिलकर करेंगे, जनता की आवाज है वो कोई दबा सकता नहीं, और दबाने की अगर कोई कोशिश करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो आवाज और ऊंचा करे। तो सोनिया जी आपको मैं अभी धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने मुझे जल्दी बात करने के लिए इजाजत दी, और मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मेरी कैबिनेट अभी शुरू हो जाएगी तो इसलिए मैं इजाजत लेना चाहता हूँ, इजाजत रहेगी आप सबकी तो कैबिनेट के लिए मैं जाऊंगा, और सबको मेरी शुभकामनाएं, साथ है और साथ में रहेंगे, साथ में लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।